35 दिन में ही बहुत अच्छी आप कमाई कर सकते हैं नर्सरी तैयार करके। तरीका मैं बता रहा हूँ आपको, बिल्कुल आसान तरीका है, सिंपली। जैसे कि मैंने जो ये क्यारियाँ बनाई हैं यहाँ पे, मेरी ये क्यारियाँ हैं 9, तो 9 क्यारियाँ में जो पूरा इसमें जो एक क्यारी की कीमत है ये 3x10 की जो ये क्यारी है, इसकी कीमत है करीब 2000 रुपये की जो एक क्यारी आप जो नर्सरी आप बेच सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा जो डिमांड इसकी जो किसान भाई रखते हैं। तो ये जो मैं दिखा रहा हूँ ये तरीका, यानी कि 2000 रुपये की एक क्यारी होगी और इसमें एक क्यारी का जो खर्चा हमने जोड़ा है वो करीबन 250 रुपये का इसमें जो पूरा खर्चा आ रहा है ये आप देख सकते हैं। खाद पानी और बीज जो लाया हूँ मैं, पूरा बीज 450 रुपये किलो जो बीज है। और अगर आप बड़े स्तर पर जो नर्सरी आप तैयार करना चाहते हैं तो 35 दिन में जो आप 1.5-2 लाख रुपये एक एकड़ से आप कमा सकते हैं। वीडियो हमारी पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। और आगे दिखा रहा हूँ आपको पूरी डिटेल कि आपको 35 दिन में जो आप बहुत ही अच्छी जो आप कमाई कर सकते हैं नर्सरी के द्वारा। तो देखते हैं वीडियो में आगे। तो पूरी तैयारी हम यहाँ पे कर चुके हैं, आप हमारी जो ये क्यारियाँ अभी जो बन चुकी है आप देख सकते हैं किस तरीके से जो हमने 8 क्यारियाँ जो तैयार हो चुकी हैं। इसमें करीबन हमारा जो बीज लगेगा वो लगेगा 3 किलो पूरा, 3 किलो बीज में जो ये तैयारी है। सबसे पहले तैयारी आपको दिखा दूँ, ये आपको इस तरीके से जो क्यारी जो एक साथ करनी है, लेवल करना है क्यारी का पूरा, यानी ये कहीं भी जो थोड़ा सा भी लेवल ख़राब नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से हमने जो ये क्यारियाँ जो तैयार की हैं यहाँ पे, और इससे पूरा जो लेवल आप देख सकते हैं किस तरीके से बिल्कुल क्लियर है, यानी कि अगर क्यारी में आप पानी कर रहे हो तो इतना भी पानी जो पूरा क्यारी में जो घूम के जाएगा और जो प्योद है वो मरने की नहीं है। तो पहला प्रोसीजर ये है, उसके बाद आपको क्या करना है, ये देसी खाद हमने लिया है, गोबर का देसी खाद। इसमें जो ऐसे एक परत आपको करीबन 1 इंच इसमें जो पूरा चढ़ाना है देसी खाद, यही सबसे बड़ी जो इसमें करिश्मा है प्योद में। आप काहे की भी जो नर्सरी आप अगर तैयार कर रहे हो तो देसी खाद जो सबसे उपयोगी होता है और सबसे ज़्यादा जो जर्मिनेट बीज करता है वो यही खाद है देसी खाद। जितनी जल्दी आपको जो नर्सरी लेनी है इतना ही ज़्यादा ये आप खाद डाल सकते हैं। इसमें क्या है कि आप DAP अगर नहीं भी डालोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, नर्सरी आपकी बहुत ही अच्छी तैयार होगी। 1 इंच आपको जो देसी खाद ये पूरा चढ़ा के डालना है लेवल करके, जैसे कि हमने वहाँ पर डाल दिया है, प्रोसीजर चल रहा है, एक क्यारी रह रही है इसमें भी डाल। मैंने 2 तरीके का बीज लिया है और ये बीज लेगा पूरा 1 बीघा खेत अगर आपका है तो 1 किलो बीज की जो नर्सरी आपको तैयार करनी है। और 2 तरीके का बीज है, दोनों तरीका दिखा रहा हूँ। ये नासिक डार्क रेड है, नासिक रेड N53 स्पेशल, जो कि सबसे अच्छा बीज होता है नासिक का, नासिक गोल्ड बहुत ही अच्छा। और ये सबसे बेहतरीन नासिक रेड N53, इस बीज को देख लो आप, सबसे अच्छा जो बीज है वो यही है जो नासिक बहुत ही फेमस जो बीज है, यानी कि बिल्कुल रेड जो इसकी जो प्याज होती है बिल्कुल रेड होती है और सबसे जो महंगी है वो प्याज वो यही होती है, सबसे महंगा ये बीज। लास्ट ईयर जो हम बीज लाए थे वो करीबन 1100 रुपये का 1 किलो था, लेकिन इस साल जो पूरा जो रेट कम है तो यानी कि 500 रुपये किलो जो बीज आया है ये वाला नासिक गोल्ड। अब सबसे पहले आपको करना क्या है, गर्म पानी आपको लेना है, यानी कि आपको नर्सरी जो तैयार करनी है 4 दिन में हम आपको नर्सरी जो उगा के दिखा देंगे कि भाई 4 दिन में यानी कि जो बीज है वो पूरा जो सबसे अच्छा कैसे होता है। तो सबसे पहले आपको पानी लेना है हल्का जो गुनगुना, ये हमने पूरा जो हल्का गुनगुना जो पानी लिया है यहाँ पे, और इसमें जो हम भिगोने वाले हैं अपना बीज जो, तो बीज इसमें क्या लेना है यानी कि थोड़ा सा गर्म पानी आपको लेना है उसमें जो, उसके बाद आपको थोड़ा ठंडा भी मिलाना है और उसके बाद जो उसमें बीज क्या डालना है वो दिखा रहा हूँ। अब जो मैं आपको जो बीज दिखा रहा हूँ इसका जो बहुत ही महीन जो बीज होती बारीक होता है, इसलिए जो सावधानी आपको रखनी है क्योंकि आप देख सकते हैं बिल्कुल चाय की पत्ती की तरह जो आपको जो इसका बीज लगेगा, ये बहुत ही हल्का बीज होता है और इसमें आपको जो थीरम की जो इसमें दवाई लग के आई है तो बहुत ही अच्छा जर्मिनेट होगा, यानी कि एक एक बीज इसका जो कण है वो जमेगा, इसे कण बोलते हैं। आपकी भाषा में क्या बोलते हैं आप कमेंट करके आप बता सकते हैं। तो ये अब इसको मैं पानी में डालने वाला हूँ, अब देख तो ये आप देख सकते हैं बीज, दोनों ही बीज जो नासिक डार्क रेड और जो मैं दिखा रहा हूँ दूसरा बीज नासिक रेड N53 बहुत ही अच्छा बीज है वो भी। और फिलहाल में जो ये बीज है इसको पानी में आपको ऐसे भिगोना है, ये पूरा यानी कि ये 500 ग्राम का एक पैकेट है जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये पूरा 500 ग्राम का एक पैकेट है और 500 ग्राम के जो सारे पैकेट है। तो आपको जो ये अब ये 12 घंटे के लिए इसी तरीके से जो इसका डब्बा जो पूरा बंद करना है और 12 घंटे के बाद जो हम इसको प्रोसीजर दिखाएंगे आपको क्या करना है। तो अब जो इसे पूरे 8 घंटे हो गए, 8 घंटे के बाद जो भिगोने के बाद हम जो इसे जो सूती कपड़ा हमने लिया है ये सूती कपड़े में जो इसे भिगो के और इसे जो इसका पानी जो निकाल रहे हैं जो गर्म पानी था, अभी भी थोड़ा जो गर्म पानी है
और जो बीज जो है पूरा जो ख़राब बीज है मतलब थोड़ा बहुत ये दे सकते हैं आप ऊपर जो आ चुका है। उसके बाद जो इसकी इसे जो हम जूट की बोरी में रखेंगे वीडियो में आगे दिखा रहा हूँ, तो ये भीगने के बाद जो ऐसा हो गया आप बीज देख सकते हैं किस तरीके से जो अंकुरण के लिए बिल्कुल तैयार हो गया। और अब इसे जो रखने वाले हैं हम जूट की बोरी में, अब इसमें करने के बाद जो इसे रखेंगे हम पूरे 16 घंटे के लिए, जो इसमें जूट की बोरी ली है पूरा जो टेम्परेचर बनाऊंगे इसमें अंकुरण जो अच्छी तरीके से में हो जाएगा। जूट की जो बोरी ली थी आप देख सकते हैं इसमें से निकाल के, और नीचे भी जो एक बोरी लगाई थी यहाँ पे जूट की, इसमें से निकालने के बाद जो अब इसकी जो बुआई कर रहे हैं नीचे जो खाद अच्छी तरीके से जो बारीक करके इसमें बिछा रखा है ये आप देख सकते हैं बिल्कुल प्योर ऑर्गेनिक देसी खाद है गोबर का। और उसके बाद पूरी तैयारी है और बीज जो यहाँ पे छिड़काव विधि से यहाँ पे बुआई कर रहे हैं ये आप देख सकते हैं किस तरीके से जो हम इसकी जो बुआई कर रहे हैं ये यहाँ पे देख सकते हैं। ये बीज यहाँ पे लिया है इसमें, ये आप दिखाओ भाई बीज, ये जो बीज है अंकुरित लगभग होने के लिए तैयार है, तो बहुत ही जल्दी जो अंकुरित होगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल लेवल से बीज किस तरीके से यहाँ पे जो छिड़काव विधि से बुआई की जा रही है इस तरीके से आपको जो छिड़कना है छिड़काव विधि से, तो इससे क्या होगा कि बीज जो बिल्कुल इकसार लेवल में यहाँ पे बिखर रहा है और बहुत ही अच्छा जो ये जमेगा। इसमें अब आपको करना क्या है, ऐसे ही आपको जो छिड़काव विधि से जो बीज बोना है और उसके बाद इसमें जो आप डाई ले सकते हैं पानी के साथ में, यानी कि अब इसमें जो छिड़काव विधि से करने के बाद और इसमें जो हल्का हम जो खाद लगाने वाले हैं देसी खाद पहले तैयार है यहाँ पे, और ये खाद नीचे भी डाल दिया है और जो ऊपर के लिए ये रखा यहाँ पे बारीक करके, और ऊपर से जो इसमें देसी खाद एक बार और डालना है बीज बिखरने के बाद। उसके बाद जो हम इसे इसमें पानी करेंगे करीबन 1 इंच, यानी कि अगर बारिश का मौसम है जैसे कि आज बारिश का मौसम हो रहा है तो हम पानी जो लेट करेंगे थोड़ा इंतज़ार करेंगे बारिश का, अगर बारिश होगी तो हम जो इसमें पानी नहीं करेंगे, और बारिश नहीं हुई अभी शाम तक तो शाम के टाइम जो इसमें हम इसमें जो पानी जो देना स्टार्ट करेंगे बहुत ही हल्का हल्का, और उसके साथ उसमें साथ भी पानी के साथ में जो हल्की सी इसमें डाई लगाएंगे, यूरिया भी आप लगा सकते हैं लेकिन हम जो डाई का प्रयोग यहाँ पे करेंगे। तो ये प्रक्रिया पूरी हो बीज की है। वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।